नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश राजपुरोहित एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हमारे पास में है रियलमी C11 मोबाइल और इसमें हम लगा रहे हैं टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास लगाने का आज हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास लगाने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। दोस्तों, हमारे पास में है ये ओरिजिनल 6D टेम्पर्ड ग्लास, जो आज की डेट में देखें तो सबसे ऐसा टेम्पर्ड ग्लास आता है वो 6D रहता है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि 11D है, 9D है, ये सब हल्के से रहते हैं, पतले रहते हैं और सस्ते रहते हैं। 6D सबसे अच्छा टेम्पर्ड ग्लास आता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो पुराना टेम्पर्ड ग्लास अपने मोबाइल में लगा हुआ है उसे निकालना है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट टेम्पर्ड ग्लास को खींचते हैं और उसे निकाल देते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें एक समस्या आती है कि कभी कभी आपका जो डिस्प्ले होता है वो बाहर भी आ जाता है। इसलिए आप अगर टेम्पर्ड ग्लास को निकाल रहे हैं तो आपको जो पुराना जो कांच है उसे पकड़ रहे हैं और साथ में अपने डिस्प्ले को भी अंगूठे या फिर अंगुलियों से इसे दबा कर रखना है ताकि वो डिस्प्ले बाहर न आ सके। जैसे कि आप हमारे इस वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं एक हाथ से टेम्पर्ड ग्लास को निकाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से मैं अंगूठे से उस डिस्प्ले को भी मैं पकड़ रहा हूँ। ऐसे दबा के रखा है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा दबा के रखा है ताकि इस ग्लास के साथ साथ हमारा डिस्प्ले भी बाहर न आए। आपको सावधानी से, आसान तरीके से, हल्के हल्के निकालना है, क्योंकि दोस्तों लंबे समय के बाद में ये टेम्पर्ड ग्लास डिस्प्ले पर हीट की वजह से अत्यधिक चिपक जाता है। दोस्तों, हमने इसे अब निकाल दिया गया है। अब हमें इस जो मोबाइल का जो डिस्प्ले है, स्क्रीन है, इसे हमें साफ़ करनी है। साफ़ करने के लिए आप अपना रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर साफ़ सुथरा कॉटन का कोई भी कपड़ा प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास में रुमाल है, हम रुमाल से साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने वक्त ये ध्यान रखना है कि इस डिस्प्ले के ऊपर कोई भी धूल मिट्टी का कण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा ये डिस्प्ले हो जाए। जैसे कि मैं इस रुमाल से अभी से साफ़ कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि आसपास का जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा हो, ज़्यादा हवा ना चले, कचरा भी उड़ता ना हो, ताकि डिस्प्ले के ऊपर गिरे नहीं, क्योंकि साफ़ सुथरे वातावरण, बंद वातावरण में अगर हम टेम्पर्ड ग्लास लगाएंगे तो कचरा उड़ कर डिस्प्ले के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि हम जैसे ही साफ़ करके इसको रखते हैं तो कहीं से भी कचरा उड़ कर इसके ऊपर गिर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्ले अपना अच्छी तरह से साफ़ हो, उसके बाद में आपको टेम्पर्ड ग्लास को लगाना है। तो दोस्तों, हमने इस डिस्प्ले को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, सिर्फ रुमाल से ही हमने किया है। आप लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं साफ़ करने के लिए, लेकिन आप साधारण तरीके से साफ़ करें तो भी ये अच्छी बात है। हमारा मोबाइल अब अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, अब हम टेम्पर्ड ग्लास को लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप इसे टेम्पर्ड ग्लास को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं hindustanmobile.com, वहां से भी आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट पेज भी दिया गया है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मार्केट से कोई भी टेम्पर्ड ग्लास लाते हैं तो आप 6D ही लाएं, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की होती है। दोस्तों, अब हम इस टेम्पर्ड ग्लास का जो पीछे का जो प्लास्टिक का हिस्सा होता है वो निकाल रहे हैं। निकालने के बाद में दोस्तों तुरंत इसे आपको अपने मोबाइल में लगाना है, क्योंकि थोड़ी देर आप इसे अगर ऊपर ऐसे हटा कर रखेंगे तो इसके ऊपर मिट्टी के कणों चिपक जाते हैं, जो नीचे से उसको खींच लेता है। इसलिए आपको तुरंत उसे लगाना है, चारों तरफ एडजस्ट करना है कि कहीं से भी बाहर ना हो, चारों कोने बराबर हो, और एडजस्ट करने के बाद एक तरफ से आप इसे दबाना है ताकि वह धीरे धीरे एयर निकल जाए। अगर कहीं पर भी एयर रह जाती है तो आप इसे आसानी के साथ निकाल भी सकते हैं। दोस्तों, हमने टेम्परेट ग्लास को लगा दिया है, लेकिन बीच में एयर आई, अब इसे एयर को हम निकाल देते हैं। अगर दोस्तों धूल मिट्टी के कण की एयर रहेगी तो वो नहीं निकलेगी, वो ऐसी की ऐसी रहने वाली है, साधारण एयर होगी तो वो निकल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हमने इस टेम्परेट ग्लास को अच्छी तरह से हमने लगा दिया है, लेकिन दोस्तों एक मिट्टी का कण इसके बीच में आने की वजह से यहाँ पर एयर आ चुकी है। ये दोस्तों एयर नहीं निकलने वाली है, परमानेंट ऐसी ही रहेगी। अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो आपको टेम्परेट ग्लास को दोबारा उखाड़ना पड़ेगा, फिर किसी भी टैप सेलो टैप की सहायता से आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकालते समय और भी ज़्यादा एयर आने की संभावना रहती है, इसलिए आप छोटी मोटी एक दो एयर हैं तो उसे रहने दें। तो दोस्तों, ये एयर अब ऐसी ही रहेगी। दोस्तों, हमारा इस मोबाइल का टेम्परेट ग्लास अच्छी तरह से अब लग चुका है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही नई अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप टेम्पर्ड ग्लास खरीदना चाहते हैं तो लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं।